वेलकम टू मॉमीज प्लैनेट इंडिया। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेजिटेबल्स नेम के बारे में। जी हाँ, अगर आपके बच्चे 2 से 5 साल के हैं, उनका अभी जो पढ़ाई का स्टेज है वो नर्सरी और LKG का है, तो उन्हें आप ये आसानी से सिखा सकती हैं। तो आज मैं आपको 2 से 5 साल के बच्चों के लिए, नर्सरी या LKG के बच्चों के लिए 15 वेजिटेबल्स के नेम लाई हूँ पिक्चर के साथ, जिसे मैं हिंदी में भी बताऊँगी, इंग्लिश में भी बताऊँगी, ताकि बच्चों का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी क्लियर रहे, वो हिंदी में भी सही नाम बोल सके, इंग्लिश में भी उसका नाम सही सही ले सके। तो ये वीडियो आप बच्चों को ज़रूर दिखाएं, खुद भी देखें, ताकि आप बच्चों को वेजिटेबल्स के सही सही जो नाम होते हैं हिंदी और इंग्लिश में, ये आप सिखा सकें। तो चलिए जल्दी से ये वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं 15 वेजिटेबल्स के नाम। जो सबसे पहला हमारा वेजिटेबल है वो है लौकी। जी हाँ, लौकी को इंग्लिश में बोलते हैं बॉटल गार्ड। लौकी को इंग्लिश में बोलते हैं बॉटल गार्ड। तो ये है लौकी। दूसरा जो हमारा वेजिटेबल है वो है बैंगन। बैंगन दूसरा वेजिटेबल है बैंगन। इसे बोलते हैं ब्रिंजल या फिर एग प्लांट। एग प्लांट और ब्रिंजल दोनों इसी के नाम हैं। तो हिंदी में बोलते हैं बैंगन, इंग्लिश में एग प्लांट। तीसरा जो वेजिटेबल है हमारा वो है ड्रम स्टिक, जिसे हिंदी में बोलते हैं सहजन और इंग्लिश में बोलते हैं ड्रम स्टिक। इंग्लिश में बोलते हैं ड्रम स्टिक। जो चौथा वेजिटेबल है हमारा वो है नेनुआ। नेनुआ को गाँव देहात में घिवड़ा भी बोलते हैं और इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्पंज गार्ड। जो नेक्स्ट वेजिटेबल है हमारा वो है परवल। परवल को काफ़ी जगह लोग पटल भी बोलते हैं, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंटेड गार्ड। इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंटेड गार्ड। इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंटेड गार्ड। जो नेक्स्ट वेजिटेबल है हमारा वो है आपका भिंडी। भिंडी को काफ़ी लोग लेडी फिंगर बोलते हैं और कुछ लोग ओकरा बोलते हैं, तो दोनों ही सही है। हिंदी में बोलते हैं भिंडी, इंग्लिश में बोलते हैं लेडी फिंगर। जो नेक्स्ट वेजिटेबल है हमारा ये है करेला। करेला चूँकि इसका स्वाद थोड़ा तीखा होता है, तो इसे बोलते हैं बिटर गार्ड। इसे बोलते हैं बिटर गार्ड। करेले को बोलते हैं इंग्लिश में बिटर गार्ड। नेक्स्ट जो वेजिटेबल है हमारा वो है खीरा। खीरे को इंग्लिश में बोलते हैं ककम्बर। खीरे को इंग्लिश में बोलते हैं ककम्बर। खीरे को इंग्लिश में बोलते हैं ककम्बर। नेक्स्ट जो वेजिटेबल है हमारा वो है टमाटर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टोमेटो। इंग्लिश में बोलते हैं टोमेटो। आप नोटिस भी करते होंगे काफ़ी सारे लोग सॉस को टोमेटो केचप भी बोलते हैं, तो टोमेटो से जो सॉस बनता है उसे बोलते हैं टोमेटो केचप। तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं टोमेटो और हिंदी में बोलते हैं टमाटर। हिंदी में बोलते हैं टमाटर। नेक्स्ट जो हमारा वेजिटेबल है ये है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को काफ़ी जगह लोग बोलते हैं कैप्सिकम और काफ़ी जगह बोलते हैं बेल पेपर, तो दोनों ही सही है। शिमला मिर्च को बोलते हैं बेल पेपर। शिमला मिर्च को बोलते हैं बेल पेपर और कुछ लोग इसे कैप्सिकम भी बोलते हैं, तो दोनों सब सही है। नेक्स्ट जो वेजिटेबल है हमारा वो है अदरक। अदरक को हिंदी में बोलते हैं अदरक और इंग्लिश में बोलते हैं जिंजर। इंग्लिश में बोलते हैं जिंजर। आपने नोटिस किया होगा कई बार रेसिपी जो बताते रहती हैं लोग, तो बताते हैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालिए, इसका मतलब हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट डालिए। तो अदरक को बोलते हैं जिंजर, तो जिंजर पेस्ट का मतलब हुआ अदरक का पेस्ट। नेक्स्ट जो हमारा वेजिटेबल है ये है लहसुन। लहसुन को इंग्लिश में बोलते हैं गार्लिक। लहसुन को इंग्लिश में बोलते हैं गार्लिक। लहसुन को इंग्लिश में बोलते हैं गार्लिक। तो अगर आप सुनते हैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट, तो इसका मतलब हुआ लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसका मतलब हुआ लहसुन और अदरक का पेस्ट। नेक्स्ट जो हमारा वो है मिर्च। मिर्च को बोलते हैं चिली। मिर्च को बोलते हैं चिली। तो अगर कहीं लिखा हो चिली फ्लेक्स, तो इसका मतलब हुआ जो मिर्च है उसकी पाउडर, उसका जो बुरादा होता है उसे बोलते हैं चिली फ्लेक्स। तो मिर्च को इंग्लिश में बोलते हैं चिली। नेक्स्ट जो वेजिटेबल है हमारा वो है प्याज। इसे बोलते हैं अनियन। इसे बोलते हैं अनियन। प्याज को बोलते हैं अनियन। प्याज को और भी कई सारे नामों से जाना जाता है, तो हर जगह के अलग नाम होते हैं, लेकिन मोटा मोटी पूरे भारत में इसे प्याज ही बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं अनियन। लास्ट बट नॉट लीस्ट जो वेजिटेबल है हमारा वो है आलू, जो बच्चों का बहुत ही फेवरेट है, तो इसका नाम है पोटैटो। इसका नाम है पोटैटो। आलू को इंग्लिश में बोलते हैं पोटैटो। तो ये सारे हमारे 15 वेजिटेबल हैं। इसके अलावा और भी वेजिटेबल हैं, जैसे आपका मशरूम हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, तो वो सारी चीज़ें भी बच्चों को आप पिक्चर की हेल्प से बोल बोल के ज़रूर सिखाएं। आज का वीडियो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते रहें मॉमीज़ प्लैनेट इंडिया। थैंक यू।